तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने सीखा था कि हम टेंसेज को किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से उनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने टेंसेज के बारे में बताया है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टेंसेज में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो चार प्रकार से बनता है। एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, फिर आपको वर्ब लगानी पड़ती है, और फिर आपके ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये आपका सिंपल के जैसा ही होता है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब आती है और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इसी तरह से जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ आपको जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठाकर सब्जेक्ट से आगे लाना होता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से आगे लिया है, और जब यहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी तो यहां पर देखिए हमें नॉट अभी लगाना नहीं है क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो सिर्फ वर्ब बच जाएगी, तो वर्ब लिख दिया उसके बाद अदर वर्ड्स लिख दिया। इसी तरह से आईएन का मतलब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे रहेगी। तो इसमें आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हम इनको आगे किस तरह से यूज करेंगे, और यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसको क्या कहते हैं। ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी वही रहेगी जो आपकी टेंसेज में यूज होती है, जैसे कि इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। अब देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं और जिसमें वो फंस जाते हैं, वो देखिए वो फंसते हैं प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनेट के, जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, देखिए जो आपका प्रेजेंट में इंडेफिनेट होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये आप जानते हैं। और जो आपका पास्ट का इंडेफिनेट होता है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आप यहां पर गौर कीजिए, क्या है यहां पर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं दी गई है। तो इनको जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो नॉट कैसे लगाओगे। तो इनमें हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो आपका पास्ट है इसमें हमको डिड का यूज करना पड़ता है, तो डिड यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट। और जब आप इसका क्या बनाओगे, प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, तो आपको सब्जेक्ट से पहले इस डिड को ही लिख देना है। समझ में आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसके नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधी इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। और हमने अब तक पीछे क्या सीखा था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन उनमें ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। तो अब जो आपका ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करना है और उसके बाद नॉट लगाना है। समझ में आ गया, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से जब आप इसके प्रश्नवाचक वाले वाक्य बनाओगे तो डू डज को ही आपको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। अब ये डू डज कहां पर यूज होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति या किसी चीज का नाम, वहां पर आपको डज यूज करना है। आप मोटा मोटा यदि मैं बोलूं तो जहां पर आप हैज का यूज करते हैं, किसका, हैज का और इज का, वहां पर आपको डज का यूज करना है। समझ में आ गया, जहां पर हैज और इज यूज होगा वहीं पर आपका डज यूज होगा। इस तरह से आप इनको समझोगे, तो आपका ये वाला डाउट क्लियर हुआ। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें कैसे करना है, जैसे कि इज एम आर है, वाज वर है, ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये होते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में, इनके बाद आपको नोट लगाना है। और जो आपका हैज, हैव और हैड है, ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये आपके यूज होते हैं परफेक्ट टेंस में, हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट में और हैज हैव यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपको इनके बाद नोट लगाना है जब आप नेगेटिव बनाओगे। और देखिए इनमें एक बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो आपका थर्ड पॉइंट में क्लियर हो जाएगा, जब भी आप हैज, हैव और हैड इनके बाद बीन लगाते हैं, बीन जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो आपको क्या करना है, हैज हैव और बीन इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है, जैसे कि हैज नॉट बीन, तब आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आ गया? अब चाहे हैज नॉट बीन बने, चाहे हैड नॉट बीन बने, चाहे हैव नॉट बीन बने, आपको जब हैज और बीन ये एक साथ मिले, हैव बीन एक साथ मिले, हैड बीन एक साथ मिले, तो आपको इन दोनों के बीच में नॉट को लगा देना है, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। और देखिए अब जैसे आपका फ्यूचर में यूज होता है विल बी, तो आपको क्या करना है, विल और बी इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है, यानी कि विल नॉट बी। आप यूज करते हैं विल हैव फ्यूचर में, तो आपको विल और हैव इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपके एक हेल्पिंग वर्ब के साथ दूसरा वर्ड चिपक के आता है, जैसे यहाँ पर देखिए विल के साथ बी अपने आप आएगा, वरना आप सेंटेंस गलत हो जाएगा, विल के साथ हैव अपने आप आएगा जब परफेक्ट सेंटेंस बनाओगे आप, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसी तरह से हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनके साथ बीन अपने आप आता है जब आप सेंटेंस बनाते हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वर्ड्स के बीच में नोट को बीच में घुसा देना है। समझ में आ गया? जैसे कि विल और बी इन दोनों के बीच में घुसा दिया, विल और हैव इन दोनों के बीच में लगा दिया, इस तरह से आपको इनके स्ट्रक्चर को समझना है, मेन बात यही है और कुछ नहीं है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस को बताता हूं। इनमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ही आपका मास्टर फॉर्मूला है, इसी से सब कुछ ट्रांसलेट होके कन्वर्ट होके बनता है। अब जैसे आप, आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करते हो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगा देते हो, आपको इंटरोगेटिव बनाना पड़ता है तो इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से गायब करके सब्जेक्ट के आगे लगा देते हो और सब्जेक्ट रह जाता है, वर्ब रह जाता है, अदर वर्ड्स रह जाते हैं, इस तरह से। समझ में आ गया? कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे, सर ये सर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स आपने क्यों लिखा, ये मैंने ऑब्जेक्ट की तरह लिख दिया है लास्ट में, यानी कि सेंटेंस में जो भी आपके वर्ड बच जाते हैं उन सबको आप लास्ट में पेल देते हो। समझ में आ गया? अब देखिए मैंने लिखा है मैं उसे संभाल लूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा, तो ये हमने फ्यूचर के लिए बोला है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए बोला है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूचर के लिए बोला है, तो फ्यूचर को आपको पता है किससे बनाते हैं, विल से, तो मैंने बोल दिया आई विल हैंडल हिम। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका आई है वो आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैंडल आपकी वर्ब है और ओ डब्ल्यू एन की अदर वर्ड्स में आपका हिम आ गया। समझ में आ गया? अब जो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट था और पास्ट का इंडेफिनेट था, उनमें ये हेल्पिंग वर्ब की गड़बड़ थी, उसमें सब्जेक्ट था, वर्ब थी, अदर वर्ड्स थे, इसलिए हमने डू डज और डिड उनमें प्रयोग किया है, उनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करने के लिए। एक और देखिए, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग। तो यहां पर ही क्या है आपका, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग आपकी वर्ब है, और देखिए अदर वर्ड्स इसमें है ही नहीं तो इसलिए हमने लिखा नहीं। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होता हो जाते हैं कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया, यहाँ पर मैंने अदर वर्ड्स इसलिए लिख दिया, अगर आपके वर्ड हैं बच्चे कुछ है तो उनको लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब कोई चीज़ होगी नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट की तरह ओ डब्ल्यू लिख दिया अदर वर्ड्स। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और हाँ, आप बुक परचेज करो या ना करो, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराई गई है और इसमें एक भी सिंगल पैसा आपका लगेगा नहीं। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, रुपये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर इसको डाउनलोड करें। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब और फिर ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। अब देखिए
मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपको पहचानने में आया किसका सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट के इनडेफिनेट का। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मैं उसके बारे में जानता हूं, ताहूं, ते हूं, ती हूं। आप यदि पहचानते हो तो इस तरह से, वरना आप यदि कोई बात, कोई चीज रेगुलरिटी में करते हैं या नहीं करते हैं, वहां पर आप प्रेजेंट के इनडेफिनेट का यूज करते हैं। तो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, तो ये नेगेटिव में है। देखिए नहीं आ गया, नेगेटिव में है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS होता है और अदर वर्ड्स होते हैं, है ना। तो हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई थी, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस को बनाने के लिए डू डज का यूज करेंगे। तो हमने लिख दिया आई डू नॉट, अब मैंने इसको कंप्रेस करके लिख दिया डोंट। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। अब हमने आई के साथ डू का यूज किया है, क्यों? क्योंकि डज का यूज कर नहीं सकते। डज यूज जब होगा, जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। समझ में आ गया? तो यहां पर आई तो आपका फर्स्ट पर्सन है, तो आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप प्रेजेंट के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। डू नॉट और डज नॉट सिर्फ आपको लगाना है। अब मैं उससे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिला, अब बताइए ये किसका सेंटेंस है? ये है आपके पास्ट के इंडेफिनेट का। किसका? पास्ट इंडेफिनेट का। तो इसमें हमें नेगेटिव में इसको ट्रांसलेट करने के लिए डिड की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हो, इसमें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो इसमें हमें डिड को यूज करना है। हम कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट मीट हिम, आई डिड नॉट मीट हिम, या फिर आई डिडेंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला। इस तरह से आप जो ये कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है इसको दूर कर सकते हैं। बाकी अब देखिए आगे जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बनाएंगे। देखिए इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे जाएगी, अब जो उसमें बच जाता है उनको लास्ट में लिख देना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया और अदर वर्ब्स लिख दिए। अब देखिए तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तो बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब यहां पर देखिए हमने किस तरह से इसको बनाया है। अब यहां पर हमने लिख दिया तुम कहां जा रहे हो, तो इसमें हमने देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये WH फैमिली वर्ड्स आएगा या नहीं आएगा। अब जब आपको हां या ना में जवाब देना पड़े तब तो ये WH फैमिली वर्ड नहीं आएगा। अगर ये WH फैमिली वर्ड आएगा, ये तब आएगा जब आपको पूरा वाक्य का जवाब देना पड़ेगा। यहां पर हमने पूछ दिया तुम कहां जा रहे हो, आप हाँ या ना जवाब दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप बोल सकते हो हाँ, वो पूछ रहा है तुम कहां जा रहे हो, आप बोल रहे हाँ ना, हाँ ना, तो आपको पागल समझेगा। आपको बताना ही पड़ेगा कहां जा रहे हो। जैसे मैं ग्राउंड में जा रहा हूं, मैं दुकान पे जा रहा हूं, मैं मार्केट में जा रहा हूं, तो आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा। तो जब आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़े तब आपको WH फैमिली की हेल्प लेनी है, और इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देनी है। आपको कुछ नहीं करना, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले उस WH फैमिली को घुसा देना है बस। उसके बाद ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो यहां पर देखिए WH फैमिली आ गई, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, गोइंग आपकी वर्ब है, और इसके बाद कोई सेंटेंस में बचा ही नहीं है, तो अदर वर्ड्स हम लिखेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, इस तरह से आप समझोगे। तुम जानते हो, अब देखिए इसको हम क्वेश्चन मार्क की तरह पूछते हैं, तुम जानते हो। समझ में आ गया? तुम जानते हो, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये है आपके प्रेजेंट के इनडेफिनेट का सेंटेंस। कैसे बोलोगे? डू यू नो, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के इंडेफिनेट में डू और डज का यूज करेंगे नेगेटिव और इंटरगेटिव में। अब इसको हमने डू को आगे लिख दिया क्योंकि इंटरगेटिव है। नेगेटिव होता तो यू के बाद डू नॉट लगाकर बोल देते, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते। समझ में आ गया? तो अब तुम जानते हो क्वेश्चन मार्क की तरह पूछा है, तो बोलेंगे डू यू नो, तुम जानते हो, इस तरह से। समझ में आ गया आप इंटरगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? इसी तरह से अब देखिए यहां से इस वेयर को हटा दीजिए और यहां पर आप अब कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे। अब देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं हाँ ना, हाँ ना, तो हमें WH फैमिली की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मतलब बना सकते हैं। अब चलिए एक बार हम देखते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी पड़ेगी, और फिर आपको अपना जो नेगेटिव है उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा, और वर्ब और अदर वर्ड्स आपके रहेंगे। देखिए क्या वह पढ़ नहीं रहा, क्या वह पढ़ नहीं रहा, तो बताइए किसका सेंटेंस है,
कौन सा टेंस है इसमें, इसको आपको कमेंट करके बताना है। क्या वह पढ़ नहीं रहा? तो देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया और नहीं भी लगा दिया, यानी कि नेगेटिव भी बना दिया और इंटरगेटिव भी बना दिया, दोनों को मिक्सर कर दिया। तो बोलेंगे इज ही नॉट स्टडिंग, इज ही नॉट स्टडिंग। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लगा दी सब्जेक्ट से आगे, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही से आगे हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के बाद नॉट है। तो इज ही नॉट स्टडिंग, क्या वह पढ़ नहीं रहा, इस तरह से आप बनाओगे। अब आप समझ में आ गया होगा किसका सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का है। कौन से कंटिन्यूअस का है, अब ये आपको बताना है। देखिए इतनी हिंट तो आपको मैंने दे दी है। नेक्स्ट देखिए, क्या वह नहीं जाएगा, किसका सेंटेंस है, क्या वह नहीं जाएगा, बोल कर देखिए, क्या वह नहीं जाएगा, क्या वह नहीं जाएगा, ये सेंटेंस है फ्यूचर का, किसका, फ्यूचर का। तो भाई फ्यूचर का है तो विल तो आने का ही, विल तो इसमें आएगा ही आएगा। तो बोलेंगे विल ही नॉट गो, विल ही नॉट गो। तो विल आपकी हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट, नॉट आपका नहीं के लिए आ गया, गो आपकी वर्ब है। तो क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो। इस तरह से आप इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को बना सकते हैं टेंस में। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हम किस तरह से इसके नेगेटिव, इंटरगेटिव और सिंपल सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करते हैं। अब मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एक वाक्य रखा है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और टेंस की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारा जो बुक है और ऐप है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।